शहंशाह, अब आप जोधा बेगम के साथ आकर इस पाक चादर के नीचे खड़े हो जाएं। अब आप दोनों एक दूसरे के हाथ में अपना हाथ लें। ये इस बात की तस्दीक करेगा कि आप दोनों इस खुशी के लिए एक दूसरे के शुक्रगुजार हैं और एक दूसरे की वजह से आप दोनों को ये मुबारक दिन हासिल हुआ। पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर। अब आप दुआ में अपने हाथ उठाएं और खुदा का शुक्र अदा करें। शहंशाह, अब जो हम कह रहे हैं उसे आप दोहराएं। या परवरदिगार, हम शुक्रगुजार हैं तेरी रहमत के। ऐ परवरदिगार, हम शुक्रगुजार हैं तेरी रहमत के कि तूने हमें बेऔलाद से औलाद वाला बना दिया। कि तूने हमें बेऔलाद से औलाद वाला बना दिया। अपने खानदान को, अपनी तहजीब को आगे बढ़ाने का मौका अता फरमाया। अपने खानदान को, अपनी तहजीब को आगे बढ़ाने का मौका अता फरमाया। तूने हमारी बेगम को इनायत बख्शी कि वो हमारे खानदान को एक औलाद बख्श सके। हमारे रिश्ते पर अपना करम बनाए रख। अब आप दोहराएं जोधा बेगम कि ऐ दोनों जहां के मालिक, हम शुक्रगुजार हैं कि तुमने मुगल खानदान को बढ़ाने का हमें मौका अता फरमाया। इस संसार के स्वामी, तुम्हारा धन्यवाद कि मुगल वंश को आगे बढ़ाने का अवसर हमें प्रदान किया। या खुदा, तेरा करम हमारे रिश्ते और हमारी मोहब्बत पर बनाए रखना। हे ईश्वर, अपनी कृपा हमारे संबंध और हमारे प्रेम पर सदैव बनाए रखना। ऐसे नहीं है कि पति के होते हुए अब किसी और पुरुष के साथ संबंध बनाए। हमें छूना तो बहुत दूर की बात है, कोई तो हमारी परछाई तक को भी नहीं छू सकता है। शहंशाह, महान गुरूर है अपने राजवंशी खून पर, अपने मेहमान पर। तो जोधा बेगम, हम भी अपने मेहमान, अपनी जुबान के पक्के हैं। अगर हमने आपसे वादा किया था कि हम आपकी मर्जी के बगैर आपको छुएंगे नहीं, तो उस रात हमने आपको नहीं छुआ और ये बात हमारा खुदा जानता है। एक शौहर जो अपनी बीवी को छुए तक नहीं, अगर उसकी बीवी पेट से हो तो उसे अपनी बीवी से सवाल करने का हक है। बहुत यकीन है ना आपको अपनी गिनती पर, तो फिर से नहीं जोधा बेगम, क्योंकि उस रात का हिसाब है हमारे पास और आपकी बाकी की रात और दिनों का हिसाब हम पता लगा कर रहेंगे। हम पता लगा कर रहेंगे कि वो बदकार कौन है। घृणा है हमें,
आगरा से, शहनशाह से, उस पल से भी, उन सभी चीजों से जिसका संबंध आगरा से है। क्या सदैव हमारी घृणा के पात्र रहेंगे? मोती, हमें अपने ऊपर आश्चर्य हो रहा है, इतना बड़ा आरोप सुनने के पश्चात भी हम जीवित कैसे हैं? हमने अपने आप को समाप्त क्यों नहीं कर लिया? कोई उस पीड़ा का अनुमान भी लगा सकता है जब एक पति अपनी ही पत्नी से पूछे कि तुम्हारी कोख में किसका बच्चा पल रहा है? घिन आती है हमें कि ऐसे पुरुष के साथ हमारा विवाह हुआ। मोती, हम राजवंशियों के यहाँ पर यदि युद्ध में पुरुष हार जाए तो इसलिए अपना जौहर कर लेती है ताकि कोई पर पुरुष उसे छू ना सके, ताकि मृत्यु के पश्चात भी उसका शरीर पवित्र रहे। ऐसे वंश की स्त्री पर इतना गंदा लांछन लगाया, वो भी उसी के पति ने। मर जाना चाहते हैं मोती, हम मर जाना चाहते हैं, मर जाना चाहते। तुम संभालो अपने आप को, उस शिशु का तो कोई दोष नहीं ना, जो तुम्हारी कोख में उस शिशु के लिए जिंदा कुछ खा लो। नहीं मोती, मैं सब कुछ विष जैसा लग रहा है। सारे निशानात के बारे में हम भी जानते हैं, हमारे भी बच्चे हैं, हमारे साथ भी यही हुआ था। हम जानना चाहते थे कि कोई खास बात, कोई खास निशानात, या फिर ऐसे निशानात किसी दूसरे बीमारी में दिखते हो। हम ये सारी बातें आपसे इसीलिए पूछ रहे हैं क्योंकि हमें इस बात का यकीन है कि यकीन से कहिएगा आप, कौन सा महीना चल रहा है? अभी तो पहला ही है। एक महीना? इसका मतलब है आमिर के सफर के दौरान या फिर आमिर में बेगम जोधा ने किसी के साथ रिश्ता बनाया है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप यहाँ आए, लेकिन एक बात का ख्याल रहे, हमारे और आपके बीच में जो भी बातें हुई वो बस हमारे बीच में ही रहे, किसी कमरे में रहे। आप तो जानती हैं इससे पहले जो बेगम रुकैया के साथ हादसा हुआ था, नहीं चाहते कि वो दोहराया जाए। ख्याल रखना पड़ेगा हमें ही, इसीलिए इस बात को फैलने ना दें, अपने तक ही रखें। और छोटा सा तोहफा आपके लिए। और हाँ, एक बात तो पूछना भूल ही गए, अब बेगम जोधा का क्या ख्याल रखना है, कौन सी दवाइयां देनी है, खाने पीने का ख्याल, कुछ खास बातें? बिल्कुल नहीं, और छोटी मोटी बातें तो मल्लिका ए आजम खुद ही जानती होंगी। हर सास को मालूम होता है इस वक्त अपनी बहू का कैसे ख्याल रखना है। बिल्कुल, बस जरूरी ये है कि हमल से औरत खुश रहे, सुकून से रहे। सुकून से रहे, जरूर। शुक्रिया खुशखबरी सुनाने के लिए। समझ में नहीं आता ये बेगम जोधा सुकून से रह कैसे सकती है, जबकि जलाल ने उनके मुंह पर कह दिया था उनकी कोख में पलने वाला बच्चा जलाल का नहीं है, फिर भी सुकून से रह रही। आदाब सलीमा बेगम, रहीम का दूध तैयार है। जी हुजूर। प्रणाम सलीमा बेगम। सलाम मोती भाई। अब जोधा बेगम की तबीयत कैसी है? बस वैसी ही है, उनके लिए ही दूध लेने आए थे, उनका दूध तैयार है। हाँ मोती भाई। कौन कौन है वहां पर? कोई भी नहीं है सलीमा बेगम। हमें लगा कोई है वहां पर। रुकिए मोती भाई, ये दूध आप जोधा बेगम के लिए लेके जा रही है ना? जी हाँ। इसे हमें दीजिए। पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर।